में बच्चा है, नारी के गर्भ में संतान है, नारी के गर्भ में संतान। और एक बात और स्मरण रहे, नारी अगर गर्भस्थ बच्चा है और नारी को ऐसा लग रहा है कि ये जरूर कुछ परेशानी, कुछ कष्ट जीवन में आने वाला है, हो सकता है मेरे बच्चे को, शंका जो होती है उस समय पर भी स्वधा का स्मरण मूल हो जाता है। स्वधा का स्मरण हम तो कहेंगे, कई लोगों ने भ्रम पैदा कर रखा है, कई लोगों ने भ्रम पैदा कर रखा है, कई महाराज लोग कह देते हैं कि जब गर्भ से नारी रहे तब शंकर भगवान को ना छुए, शिवलिंग का स्पर्श ना करे, शंकर जी को छुए नहीं। ना जाने कौन से महाराज ने कह दिया, एक आध बार मिल जाए तो पकड़ के सीओ लिया जिसने कहा। जब शिव महापुराण की कथा कर रही है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर का उपासक होता है, शंकर का स्पर्श करता है, शिवलिंग का मात्र स्मरण, केवल स्मरण, केवल स्पर्श करता है, तो कहा उसके कौटी कौटी पाप छिन्न हो जाते। तो गर्भस्थ नारी, अरे भाई लिंगायत संप्रदाय का वर्णन हिंगोली से करा था, परली से करा था कि लिंगायत संप्रदाय में शिवलिंग को मानते हैं। बच्चा गर्भ से जन्म लेता है, माँ जब तक बच्चे को दूध नहीं पिलाती जब तक उसका गुरु मंत्र नहीं हो जाता, उसको लिंगायत संप्रदाय के संत आकर जब तक गुरु मंत्र नहीं दे देते तब तक नारी उसको दूध तक नहीं पिलाती। यहां तक वर्णन विचार करिए जरा, तो फिर कौन ने कह दिया कि शंकर भगवान के शिवलिंग को छूना नहीं चाहिए, गर्भवती नारी को स्पर्श नहीं करना चाहिए? और कौन सी पुराण में लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है? यहाँ शास्त्र कह रहा है, शिव महापुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण वर्णन करती है। आप दिल से, हृदय से, चित्त से शंकर भगवान की आराधना कर सकते हो। हाँ, नारी अगर गर्भस्थ बालक है और उसको चिंता है, बहुत टेंशन है, और उसके साथ शिव की आराधना कर रही है, तो बाबा के ऊपर एक बेलपत्र भी अगर वो चढ़ा रही है चावल के दाने के साथ, तो ये निश्चित है कि स्वधा उसके गर्भ की रक्षा करती है और बच्चा समाप्त नहीं हो सकता, ये निश्चित है। स्वधा तप करी, साधना करी, और तप साधना कर कर स्वधा के सम्मुख में तीन बेटियां प्रकट हो गई हैं। वो तीन बेटी है महाराज, तीन बेटी प्रकट। महाराज मैना, धन्या और कला, ये तीन बेटियों का प्रागट सम्मुख में हो गया। आप देखेंगे कल की कथा में कि मैना, धन्या, कला, इन तीनों के नाम से जिसको स्वप्न में सांप दिखते हो, मरे हुए व्यक्ति नजर आते हो, या घर में बार बार घात आ रही होती है, तो पितरों की तीन लड़कियां मैना, धन्या और कला, इन तीनों के नाम से पीपल के पत्ते की बंदरवाल कैसे बांधी जाती है, जिससे घर में सांप भी नहीं निकलते, स्वप्न में सांप नहीं दिखते, और घर में कोई गलत कार्य नहीं होता। जैसे बच्चे गलत संगत की ओर नहीं जाते, मदिरा पान, जुआ, वैश्यावृत्ति, इसकी ओर ना जाए, वो कथा कल की कथा में लेंगे और पितरों की बेटियों के चरित्र को आगे बढ़ाएंगे। तो आज यहाँ पर भगवान गणेश जी महाराज का